में 1322 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 7795 कुल एक्टिव कोरोना के केस हो चुके हैं। 2,84,944 कुल संक्रमित केस। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,125 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक दिन में प्रदेश में 748 मरीज रिकवर हुए हैं। बड़ी और अहम खबर कोरोना से जुड़ी हुई, स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी संक्रमित हुए हैं। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर है, फतेहाबाद में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 37 नए मरीज मिले हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कई स्कूलों में भी कोरोना के केस सामने आए। 19 छात्र छात्राएं और कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी संक्रमित हुए, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और हरियाणा से कोरोना अपडेट से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा में 1322 नए केस सामने आए कोरोना के। 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 7795 कलेक्टिव केस हैं। अब तक 2,84,944 लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3,125 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 778 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। बात गुरुग्राम की जाए तो कल यहां पर 279 केस आए, एक की मौत हुई। करनाल में 204 नए केस। पंचकूला में 131 मामले आए। अंबाला में 105 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पानीपत में 119 लोग संक्रमित हुए हैं। कुरुक्षेत्र में 78 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यमुनानगर में भी 88 लोगों को पिछले 24 घंटे में कोरोना हुआ है। और देश के कोरोना अपडेट से भी आपको रूबरू करा दें। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। 24 घंटे में 62,276 नए केस सामने आए। रफ्तार बेलगाम हो गई है। एक दिन में कोरोना के 292 मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में 4.5 लाख के पार एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। 1,19,08,373 लोग अब तक संक्रमित हुए। 1,12,92,849 लोग रिकवर हो चुके हैं। 1,61,275 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी लगातार केसेस बढ़े हैं।